हाँ जी, हो गई दिवाली की सफाइयाँ। सफाइयाँ तो रोज ही करते रहते हो। पर ये दिवाली वाली सफाई ना, ये एनुअल रिचुअल होता है कि भाई आपको हर कॉर्नर साफ करने। 5 दिन की दिवाली होती है, लेकिन उससे 5 दिन पहले से हम सभी लोग, हम इंडियंस, सब इंडियंस सफाई करने लग जाते हैं। और उसके अलावा हम शॉपिंग भी करते हैं। व्हाट डू यू से? आजकल ना लोगों के पास टाइम कम है और काम बहुत ज्यादा है, तो मुझे लगता है भाई पहले के जमाने में ना लोगों के पास मम्मियां होती थी घर पे काम करने के लिए। आजकल मम्मियां भी वर्किंग प्रोफेशनल है। खैर, मेरी मम्मी आज भी काम करती है, शी इज अ वर्किंग प्रोफेशनल। बट मुझे लगता है कि हमें कोई भी काम करना है ना, उसको स्मार्ट तरीके से करना चाहिए। व्हाट डू यू से? हम जब खाना या ग्रॉसरी लेने जाते हैं तो हम लिस्ट बना के जाते हैं, वैसे क्यों ना हम इन कामों की भी लिस्ट बनाए और काम करें। 5 दिन की दिवाली का काम 5 दिन पहले से जो हम शुरू करते हैं ना, तो मेरे को लगता है सबसे पहले लिस्ट में हमें लिखना चाहिए भैया छत की और पंखों की सफाई होनी है। इंडिया में तो हमारे यहाँ पंखे होते थे जो दिवाली में बंद हो जाते थे, और उसके बाद फिर देखते थे भैया गंदे हुए हुए पंखे, पूरी गर्मी चलते थे भाई। तो यहाँ पे पंखे नहीं है यार, आई एम मिसिंग इट। ये वाली सफाई ना चित्रांग करता अगर पंखे होते हमारे, है ना चित्रांग? चित्रांग पीछे से कह रहे हैं नो। तो हमें सबसे पहले लिस्ट में होना चाहिए कि छत की सफाई होनी चाहिए, ताकि जो भी कूड़ा हो नीचे आके गिरे। उसके बाद हमें ग्रिल्स और हमारी विंडोज, हमारे जो भी डोर्स है उसकी सफाई होनी चाहिए। उसके अलावा भैया किचन की सफाई भी होनी चाहिए, उसमें फ्रिज भी होता है इतना बड़ा, जिसकी सफाई हमारी हो चुकी है कल, वो की है चित्रांग ने। सो जी हाँ, हम इसी फ्रिज की बात कर रहे हैं जो कल चित्रांग ने साफ करा है, और बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके, साफ सफाई करके सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया चित्रांग ने। थैंक यू चित्रांग। चित्रांग एक्सेप्ट कर लो यार, तुमने फ्रिज की सफाई की है। हाँ तो बोलो। हाँ की है। तो मतलब आपके घर में जितने भी लोग होते हैं ना, उन सबकी हेल्प से आपको थोड़ी थोड़ी सफाई कर लेनी चाहिए। लेकिन थैंक गॉड दुबई में फैंस, ग्रिल्स ऐसी कुछ चीजें नहीं है, वरना वी हैव ग्रिल्स ऊपर भी है और यहाँ बालकनी में भी है, सारा मुझे करना पड़ता फिर। पर बाहर के लिए हमारे पास वी हैव बशीर, वो आता है रोज और वो साफ करके जाता है। उसके अलावा हमारी किचन हो गई, किचन के अलावा हमारे लिविंग रूम्स हो गए, और हाँ जो सबसे मेन होता है ना वो है हमारी क्लोजेट के अंदर रखे हुए कपड़े। तो मुझे लगता है सारे कपड़े निकालने से बेटर है एक एक पोर्शन निकालो और उसे फोल्ड करो और रखो। आप कभी कभी ना क्या होता है, हम लोग जोश में होते हैं और सारे कपड़े निकाल लेते हैं और फिर थक जाते हैं, तो जब मन ना करे तो बाद में कर लो। सो ऐसी ऐसी छोटी छोटी लिस्टों को अगर हम बना के अपने घर की दिवाली की सफाइयाँ करेंगे ना, आई गेस हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। हैंग आउट वैक्यूम भी है स्मार्ट वे के लिए। हाँ, नॉट स्पॉन्सर्ड, ओके? वी तो पीछे से ना चित्रांग की यही खासियत है कि जब भी आप वीडियो बनाओ ना, इतना इंटरप्ट करता है ना बंदा, कंफ्यूज हो जाता है कि उसे नेक्स्ट लाइन में क्या बोलना है। पर कोई ना, अगला स्लॉट ना शॉपिंग वाला है, तो कहीं ना जाए हमारे साथ शॉपिंग करने चले, क्योंकि हमारी ये दिवाली की पहली शॉपिंग है इस साल की। वैसे तो ये हमारा 5th ईयर है यहाँ पे हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर पहले मैं यूट्यूब नहीं चलाती थी, तो इसलिए मैं पहली दिवाली नहीं आपको शेयर कर पाई अपनी दुबई की। बट अगर मेरे पास कुछ पिक्चर्स होंगी, पहली, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, फोर्थ, जो भी दिवाली मैंने दुबई में सेलिब्रेट किया, आई विल शेयर इन माय वीडियो टू। तो चलो चलते हैं शॉपिंग करने। YouTube की पहली दिवाली पर दुबई में हमारी 5th दिवाली। तो जैसा कि मैंने बोला था कि नेक्स्ट स्लॉट में हम चलेंगे शॉपिंग करने, और हमारा जो एजेंडा है दिवाली शॉपिंग, यस, ओनली दिवाली शॉपिंग। तो हमारा जो एजेंडा है वो ये है कि हमें ना यहाँ के लिए कुछ लाना है। हमारा ये लिविंग डाइनिंग एरिया जो है ना, थोड़ा सा सूना लगता है। मेरे को लगता है यहाँ पे प्लांट होना चाहिए, नहीं डिपेंड्स, और पुनीत जी को लगता है यहाँ पे एक स्टैचू होना चाहिए। सो लेट्स सी हम क्या लेकर आते हैं, आपको भी लेके चलते हैं। चलो, तो जो आज का वीलॉग है ना, वो ये भी बना रहा है, मुझे नहीं पता इसका टॉपिक क्या है। और वे आर यू आर गोइंग? मैं जा रहा हूँ दिवाली की शॉपिंग करने, आप कहाँ जा रहे हो? मैं भी जा रही हूँ दिवाली की शॉपिंग करने। ओके, लेट्स गो। सो आप इसके चैनल पे जाके मुझे देख सकते हैं, और मेरे चैनल पे आके आप इसको भी देख सकते हैं। चलो। डेन्यू पे सेल लगी हुई है गाइस, आई गेस इट्स फॉर गार्डन ओनली, 70% ऑफ। ये डेन्यूब है, और ये पैनामेरिट्स है जो हमने लास्ट टाइम कारपेट लिए थे जब तू चीटिंग कर ली थी, इसलिए हमें यहाँ आना सबसे बेस्ट लगता है भाई। दोनों आसपास है, कुछ यहाँ पसंद आ जाता है डेन्यूब में, कुछ पैनामेरिट्स में। या वाओ, ये गार्डन के लिए
मैंने आपको बताया था ना हमें कॉर्नर के लिए लेना है, पर ये आई गेस गार्डन के लिए। दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें हम दिल खोल के खर्चा करते हैं, ना सिर्फ फैमिली के लिए गिफ्ट लेना होता है पर अपने होम को डेकोरेट करने के लिए भी काफ़ी सामान लेना होता है, और इसी वजह से हम भी शॉपिंग कर पाते हैं। आई गेस दिए लेने होते हैं, बड़ी सारी बेसिक चीज़ें लेनी होती है, और आई गेस इसलिए ये मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। और ये है डेन्यू का गार्डन सेक्शन, लुक एट इट, मतलब ऐसा लग रहा है सभी कुछ ले लो। लुक दिस इज सो क्यूट, ये बर्ड प्लांटर है जो अभी हम इनके ऑनलाइन ऐप पे चेक कर कर आए हैं। यहाँ आने से पहले ना हम लोगों ने ऑनलाइन भी देख लिया था भाई क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पर। मुझे इस आइटम का प्राइस तो नहीं पता, बट दिस इज सो यूनिक, सो नाइस। वी हैव टू गेट द दिवाली डेकोरेशन आइटम्स। आई लाइक दिस, वी आल्सो हैव सो क्यूट थिंग्स। वाओ, पहले क्यों नहीं था यार ये चित्रांग, चित्रांग का व्लॉग भी ऑन है बिल्कुल। आई लाइक दिस एंड लुक एट, लुक एट दैट, अब दे हैव लिटरली गुड कलेक्शन दिस टाइम। आई एम लाइकिंग इट सच्ची यार। एंड दिस इज ऑफ, ये वैसे 280 का है पर आफ्टर डिस्काउंट 139 का है। बट पता है हमारा अभी मोटिव जो है ना वो लिविंग रूम और डाइनिंग एरिया वाले साइड का कुछ लेने का है, उसके बाद देखते हैं। पता है हम लास्ट टाइम आए थे यहाँ पर गार्डन का सामान लेने, हमें कुछ खास नहीं दिखा था, बट आज हमारा मोटिव कुछ और है। और यहाँ पे सामान कितना अच्छा है गार्डन का यार। अब जैसे कि ये वेलकम देख लो, इतना यूनिक लग रहा है ना, अगर हम गार्डन में इसको लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। सी यस, लुक एट दिस, ये कैसा लग रहा है गार्डन, अच्छा लग रहा है। हाँ ये नहीं देखा, पता नहीं, ये मैंने देखा नहीं है, देखती हूँ। हाँ 186 रेट्स ऑफ 250 आफ्टर डिस्काउंट, इट्स गुड, मतलब इट्स गिविंग वाइब, हमें एक ये पसंद आ गया भाई। आई एम लाइक this one or that one, we are actually this confused, one, this one? Yeah, or this one, yeah, hard choice, but of course this one, I'm confused, I like that one much better. अगर हम ये वाला लेते हैं तो इसको हमको ना ऐसे कहीं पे टक करना पड़ेगा। हाँ, and the other one is hanging. दिस इज अ प्रीमियम वंस, और यहाँ आते ही ना पुनीत जी का दिल अटक जाता है कि बस ये वाला हमने लेना है। या हम फर्स्ट और सेकंड फ्लोर चेक करने आए कि वहाँ कहीं साइडर मिल जाए, प्लांट्स मिल जाए, तो हम वहाँ से आइडिया लेके ले सकते हैं। आई गेस दे आर लुकिंग फॉर बेड के भाई कम्फर्टेबल कौन सा है। ये वही वाला है जो मेरे को पीछे पसंद आया था। वाओ, तो एक वन ऑफ द आइटम ये भी है जो हमने लेना था। या इट इज मेंशन, हाँ लिखा हुआ है, लॉन्ड्री बकेट। तो एक ये आइटम थी जो हमारी लिस्ट में थी भाई। हमने वहाँ जो कस्टमर सर्विस पे थी उससे पूछा भाई लॉन्ड्री बॉक्स का और आइटम्स कहाँ हैं, तो वो खैर मुझे नहीं पता, मैं भी ढूंढ के बताती हूँ आपको कहाँ पर है। फेस्टिवल ही तो रखना है।
प्राइस क्या है इसका? भाई मुझे नहीं अच्छी लग रही, बाकी देखते हैं ऑप्शन। फाइनली जी गॉट इट कि कहाँ पे रखी हुई है। भाई ये मुझे नहीं अच्छी लगी, सम ऑप्शंस देख रहे हो आप इसको, अगर इसमें बास्केट में कपड़े नहीं है तो ये ऐसी गिरती पड़ती रहेगी, तो ये ऑप्शन मुझे अच्छा नहीं लगा। इनफैक्ट और भी जितने ऑप्शन उसने दिखाए मुझे नहीं अच्छे लगे वो। पुनीत जी को ऑप्शन नया सा लग रहा था पर उन्हें भी मज़ा नहीं आ रहा था इन सारी लॉन्ड्री बॉक्सेस में। वही वाली लॉन्ड्री बॉक्स पसंद आया, आई लाइक इट। पीने वाले ग्लासेस चाहिए, मेरा पति कहेगा लेने कुछ आते हैं, ले कुछ और ले लेते हैं, इनकी प्लानिंग ही चेंज हो जाती है। इन सब पे ना प्राइजेस नहीं लिखे हुए, वरना एक आता तो मैंने ले ही लेना था, फिर पुनीत जी ने भी मना कर दिया तो मुझे लगा छोड़ो परे यार। एक हमने लेना है डोरमेट अपने फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम के डोर के लिए, ये भी सही लग रहा है थोड़ा वाइब्रेंट सा। मैं आई थी ग्लास लेकर, लेकिन अभी हम भले ये डिसाइड कर ले। दिस प्लांट ये कलर हाँ मेरे को लगता है यहाँ आके अगर बंदा कंफ्यूज नहीं हुआ तो क्या हुआ। दे हैव वैरायटी ऑफ ऑप्शंस, लाइक चाहे आपका स्टैचू हो, शो पीस हो, या सीनरी हो, या फिर फ्रेगनेंसेस, होम फ्रेगनेंसेस हो। अब ना हमारा सिर्फ प्लांट वाला वो जो कॉर्नर था ना वो रह गया लेना, बाकी मोस्टली हमने जो दो तीन मेन आइटम्स थे वो ले लिए। लेट्स सी कि कहाँ मिलेगा वो। ऊंचा हो गया, हाँ सो बिग। अगेन छोटा हो गया लेकिन अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो कुकीज के लिए बॉक्स कितना क्यूट लग रहा है यार ये, कुकीज के लिए कुकीज खोल दे रहा हूँ। पुनीत जी भी लाइक इतनी जगह नहीं है, ये नहीं बोल रहे इतना नहीं मैं खर्चा कर सकता। दिस ऑल्सो क्यूट, कॉर्नर स्प्रेड के लिए भी बहुत अच्छा लग रहा है, पर दिस इज ऑफ 1000 dirham जो हमारे बजट से बाहर है, बट इट हैज अ डिस्काउंट, 55% का डिस्काउंट है इस पे भाई। स्टिल अगेन इट विल नॉट मैच योर इंटीरियर, या तो ऐसा कुछ देख सकते हैं। जब मैं दुबई में नई नई आई थी ना तो मैं यहाँ पर हर चीज़ का कंपैरिजन इंडियन रेट से करती थी। कोई चीज़ अगर मुझे 20 dirham में मिलती थी मैं कहती थी भाई 400 rupees की इतनी महंगी, पर यहाँ रहकर एटलीस्ट अब वो फीलिंग नहीं आती, अब इक्विवेलेंट लगने लगा है। हमने ना ऑलमोस्ट सारी चीज़ों की शॉपिंग कर ली है, पर ये नहीं समझ आ रहा कि कॉर्नर के लिए क्या लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ है और सारा ही कुछ अच्छा लग रहा है। सो लेट्स सी हम क्या लेते हैं
चित्रांग भी अब हमारी हेल्प करने लगा है. ही इज लाइक यार ले लो जो भी लेना फटाफट और चलो घर. अब नाइस, ये अच्छा लग रहा है. काफी ऑप्शंस होते हैं ना तो यही कंफ्यूजन होता है. वैसे हमारा जो लिविंग एरिया है ना थोड़ा ब्लूइश या सी ग्रीन टाइप्स है तो हम कंफ्यूज है कि भाई कौन से वाला कलर ज्यादा बेस्ट या सूट करेगा. लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि कॉर्नर पे अच्छा क्या लगेगा. बट स्टिल आई एम लाइकिंग दिस. वो थोड़ा छोटा है उसमें प्लांट आ नहीं रहा है बट दिस वन इज बेटर. चॉइस इसकी है एक्चुअली. जो भी आइटम्स हमने लेने थे ना हमने सारे सामान ले लिए. बस ये आइटम एक एक्स्ट्रा हमने लिए. आपको भी पता है हमने क्या एक्स्ट्रा लिया है. मैं अपने स्कूल में एडिटिंग हेड है और इसकी एडिटिंग बहुत अच्छी है इसलिए आधे से ज्यादा काम मैं इसी से कराती हूँ अपने. Let's go. इनकी यार दिवाली की लाइटें भी लग गई हैं. हमारी कब लगेंगी? वो नहीं लगी हुई है यार, बस ऑन करनी बाकी है. नहीं नहीं हमारा बस बैक बैक ये कितनी क्यूट लग रही है यार. बालकनी वाली जलानी है. या इनकी भी लग गई यार. मैं दिवाली वाइब जा रही हूं. जो भी आइटम्स हमने लेने थे ना हमने सारे सामान ले लिया है. कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है. क्यूट. अभी रात हो रही है ना, दिन में और क्यूट दिखेगा ये. आज का व्लॉग ना कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया, इसको यही खत्म करते हैं. अभी चलते हैं हम और बची हुई शॉपिंग करने. आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में. तब तक के लिए टूडल्स. ध्यान रखिए अपना. रब रखा.